गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन वेलकम बैक टू योर ई वी एस क्लास बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर एटीन प्लांट्स अराउंड अस ओके सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर एटी फोर एंड पुट योर फिंगर ऑन योर बुक वाइल रीडिंग आपने अपनी बुक ओपन करनी है चैप्टर नंबर एटीन और कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना आज हमने प्लांट्स अराउंड अस प्लांट्स मीन वो पेड़ पौधे जो हम अपने आसपास देखते हो प्लांट्स पता है ना आपको लुक एट दिस पिक्चर आप प्लांट्स को देखोगे नीचे पिक्चर में भी एंड नाउ लेट स्टार्ट योर चैप्टर प्लांट्स वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज प्लांट्स बेटा कैसे होते हैं उनकी जो शेप्स होती है पेड़ पौधों की वो कैसे होती है अलग होती है ठीक है और जो उनका साइज होता है वो भी क्या होता है डिफरेंट होता है कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं बिग होते हैं और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं ठीक है सेम साइज़ के नहीं होते हैं डिफरेंट कलर्स डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज ओके ट्रीज अब ट्रीज क्या होते हैं बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स कौन से प्लांट्स बिग और स्ट्रोंग जो बड़े और बड़े मजबूत होते हैं बहुत हार्ड होते हैं प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज नीचे पिक्चर देखो बेटा ट्रीज की कितने बड़े बड़े हैं ना ये एप्पल कोकोनट मैंगो एंड बनियन आर ट्रीज़ ये कौन सी है एग्जांपल्स है बेटा ट्रीज की स्मॉल प्लांट्स स्मॉल मीन छोटा प्लांट्स मीन पेड़ पौधे जो हम देख सुन रहे हैं अभी आप तो स्मॉल प्लांट्स कौन से होते हैं स्मॉल सम प्लांट्स आर स्मॉल कुछ प्लांट्स जो छोटे होते हैं लैसे ब्रिंजल रोज एंड जैसमीन आर स्मॉल प्लांट्स वेरी स्मॉल प्लांट्स वेरी बहुत छोटे जो होते हैं सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल जैसे ग्रास घास देखी ना कभी अपनी कितनी छोटी छोटी होती है स्पेंच एंड पोटैटो आर वेरी स्मॉल प्लांट जो इनके प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स क्या होता है बेटा लिसन केयरफुली सम प्लांट्स आर वीक कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं जो कमज़ोर होते हैं ठीक है वो अपने आप में सीधे नहीं खड़े हो सकते अपने आप को ऐसे दे नीड स्पोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट वो अपने आप सीधे नहीं खड़े हो सकते उनके लिए हमें किसी की चीज़ की नीड होती चाहे वो रोक हो सकती है रस्सी या कोई स्टिक ये फैल जाती है ऐसे ठीक है दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स तो क्लाइंबर्स की एग्जाम्पल कौन सी है मनी प्लांट आप अपने घर में या कहीं और जरूर मनी प्लांट का बेटा पौधा देखना और देखना वो कैसे होता है तो मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं दोस्त होते हैं होते हैं ना प्लांट्स से हमें कितना कुछ मिलता है और हमें इनकी केयर करनी चाहिए ठीक है ना तो ये हमारे क्या है फ्रेंड्स की तरह होते हैं दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स अब प्लांट्स से हमें बहुत यूजफुल बेटा चीज़ें भी मिलती हैं अब आप सोचो कि प्लांट्स से क्या मिलता है प्लांट्स से हमें वुड भी मिलती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओके okay, एज अ मेडिसिन में भी कुछ प्लांट्स ही यूज हम करते हैं रिकैप्चुलेशन सम प्लांट्स आर बिग सम प्लांट्स आर स्मॉल कुछ प्लांट्स बेटा बिग होते हैं कुछ प्लांट्स क्या होते हैं स्मॉल होते हैं सम प्लांट्स आर वीक कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं कमज़ोर होते हैं दे नीड स्पोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट इनको कुछ इसी चीज़ की ज़रूरत होती है इनको सीधा खड़ा करने में ठीक है ये गिर जाते हैं ऐसे नीचे नेक्स्ट प्लांट्स आर अवर फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था प्लांट्स हमारे क्या फ्रेंड्स है दे अस मैनी यूजफुल थिंग्स ओके अच्छी तरह से बेटा ये चैप्टर आपने रीड करना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स होमवर्क आपका होमवर्क क्या है आज का रीड पेज नंबर एटी फोर एंड एटी फाइव फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यर बुक आपने अपनी बुक में से एटी फोर और एट्टी फाइव पेज क्या करना है रीड करना है नेक्स्ट थिंक एंड आंसर आपकी बुक में बेटा ये आंसर है ठीक है पहले आप क्वेश्चन रीड करोगे अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे वट आर ट्रीज फर्स्ट क्वेश्चन है वट आर ट्रीज ट्रीज क्या होते हैं नेक्स्ट वट आर क्लाइंबर्स और क्लाइंबर्स क्या है आपने इसके आंसर सर्च करने हैं आप मुझे सेंड भी करते हो वेरी गुड बेटा ऐसे ही आपने ये भी सर्च करके मुझे सेंड करने हैं ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे